अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से होते हुए, बस स्टैंड से होते हुए हरिद्वार का मौसम आज इतना खराब हो रखा है और मनसा देवी पे बादल ही बादल है भाई, बहुत आज तो बहुत बादल है। ये यहाँ का पेट्रोल पंप हरिद्वार का रेलवे स्टेशन के सामने, ये दो कुत्ते हैं देख रहे थे। ये है यहाँ पे चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे। ये आ गए हम हरिद्वार के बस स्टैंड। अरे आज तो मनसा देवी भी बादल कितने हैं। ये है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के सामने बस स्टैंड है। यहाँ से हर जगह के लिए बसें मिलती हैं भाई। ये मनसा देवी पे देखो कितने बादल हैं ऊपर है? बादल नीचे हैं आज। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि मसूरी की तरह बादल आज बहुत नीचे हैं। ये है बस स्टैंड और बस गुरु नानक वैष्णो भोजनालय रेलवे स्टेशन के सामने। कितने बादल हैं वाकई में यार। बादलों में चले। ये आ गए हम रेलवे स्टेशन हरिद्वार के। रेलवे स्टेशन हरिद्वार आपका स्वागत करता है भाई। और ये कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे। ये एंट्रेंस है रेलवे स्टेशन का, घोड़े खच्चर। हम पहुंच रहे हैं शिव मूर्ति है उत्तर रेलवे हरिद्वार। भाई साहब बाइक पे जा रहे हैं, बुलेट पे। अब हम पहुंच रहे हैं, यह है यहाँ पे खालसा होटल, खाना खाने का होटल खालसा। हम पहुंच गए शिव मूर्ति। इसे यह गुजराती गली, यहाँ पे क्या मिलता है? गुजराती खाना मिलता है, सारे होटल ही होटल है। भाई साहब बारिश में भी यात्रियों की कोई कमी नहीं है आने की, खूब यात्री आ रहे हैं। ये पुलिस वालों की गाड़ी आ गई, मैडम देख रही थी अंदर से, एसपी मैडम पहचान गई थी वो हमें। ये है होटल सुंगा एजोर। तुम्हें हेलमेट में नहीं पहचान भाई। यहाँ पे लगी हुई है गदर 2, 11 तारीख को देख के जरूर आना भाई। मैंने तो देख ली, हाँ मैंने, बहुत बढ़िया फिल्म है भाई। चित्रा टॉकेज। कितनी बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन जो है यात्रियों में कोई कमी नहीं होती आने की। कितना भी हो जाए, कुछ भी, यात्री जरूर आएगा घूमने। हरिद्वार है ही ऐसी जगह, क्यों ही। होटल गोवर्धन भी बुक कर सकते हो, सारे होटल ही होटल है वैसे साइड में। हम ऋषिकेश का टूर कब है हमारा? अब देहरादून हमारा फ्राइडे है, ऑलमोस्ट डन है भाई। हरिद्वार देहरादून दिखाना है हमें। सिद्धार्थ जी आपका काम भी हो जाएगा और देहरादून भी घूम आएंगे हम। और यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करी हुई हैं बिना उसके। अब हम जा रहे हैं, एक चाय वाले भैया हैं बबलू है ना, बहुत कड़क चाय बनाते हैं, बहुत बढ़िया। हरिद्वार की फेमस चाय है वो। अब हम पहुंच गए हैं ललतारा पुल। ई रिक्शा इतनी है, आदमी उतने नहीं है जितनी ई रिक्शा भरी पड़ी है। अब हम आ गए हैं ललतारा पुल हरिद्वार के अंदर। एंट्रेंस में है ललतारा पुल और यहाँ पे है होटल शिवालिक।
अबे यहाँ पे चोटी वाला था, गायब हो गया। अच्छा ये रहा चोटी वाला। अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे और बबलू चाय वाले भाई साहब हैं, हैं? बबलू टी स्टॉल पर पहुँचेंगे, बबलू टी स्टॉल पर पहुँचेंगे और कड़क चाय पीने को मिल जाएगी अगर बबलू भाई हुए तो। है लगा दो कहीं भी गाड़ी। है ये बबलू भाई जो है आज, चलो वहाँ चलते हैं फिर। कुछ तकनीकी कारणों के कारण बबलू भाई चाय वाले छुट्टी पर है, बंद करे हुए हैं, इसलिए अब हम जा रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं विष्णु घाट। वहाँ पे एक अंकल मिलेंगे बुड्ढे से, बहुत जो है मतलब कड़क से है अंकल भी, और वो जो है चाय पिलाएंगे। ये भाई पानी भरा हुआ है क्या यहाँ पे? बहुत बहुत ही पानी भरा है का। निकालो 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 निकालो, अरे निकल जाएंगे यार, बहुत हल्का हल्का पानी नहीं निकल पाएंगे भाई, रहन दो। हाँ कितना पानी है, रुक जाओ। अब फिर हम कहाँ चलेंगे? चलो चौधरी साहब की चलो वापिस। अब हम जा रहे हैं वापस चौधरी साहब के यहाँ। आगे हरिद्वार में एंट्रेंस ही नहीं कर पाए हम क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ था। कड़कड़ी चलते यार। हाँ उधर घूम के आते आज, खड़खड़ी घूम के आते। चलो इनका ब्लॉग भी बना लेंगे हम अपना, खड़खड़ी दिखा देंगे। खड़खड़ी घूम के आते हैं इधर से। अरे अंदर से कह रहा था मैं, अंदर से तो दिखाते हम, अंदर से हम दिखाते हर की पैड़ी होते हुए, इसलिए मोड़ लो। अरे कोई नहीं, थोड़ी सी, अरे हो जाएगा, आ जाओ। फिर इधर से तो दिखाने में फायदा भी नहीं है ना ब्लॉग, अंदर से दिखाएंगे, अंदर से मोती बाजार होते हुए, मतलब उधर से होते हुए। अब हम जा रहे हैं खड़खड़ी भीमगोड़ा तालाब की तरफ, दिखाएंगे आज भीमगोड़ा तालाब। ओ कितना बादल है भाई, चलो